गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने अभी तक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और उसमें भी हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ये सब हमने पढ़ लिया है। अब हम इन चीज़ों में आपस में रिलेशन ड्राइव करेंगे और जो इनमें रिलेशन होता है उनको हम नाम देते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो मेनली चार हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उनका एक एक करके हम डेरिवेशन भी करते चलेंगे। तो आप मेरे साथ साथ जो है सॉल्व कर सकते हैं और अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो पहले आप समझ लें, उसके बाद फिर आप खुद से एक बार ज़रूर सॉल्व करके देखें। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपने नाइन्थ में भी पढ़ी हुई है, कौन कौन सी हैं? तो चार इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे, तीन आपने पहले पढ़ी हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी आपने पढ़ी थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन आपने पढ़ी थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस। एक फोर्थ इक्वेशन हम यहाँ पे और ड्राइव करेंगे, दैट इज एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन हम ड्राइव कर रहे हैं वो इक्वेशन दो तरीके से ड्राइव हो सकती हैं, कौन कौन से मेथड से? तो देयर आर टू मेथड्स, पहला है बाई कैलकुलस मेथड और दूसरा है बाई ग्राफ। तो देखो अभी हमने ग्राफ नहीं पढ़े हैं, अभी हमने सिर्फ डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये पढ़ा है और हमने मैथमेटिकल टूल में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दो चीज़ें हमने करी थी। तो वहीं से आता है कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड का बेसिकली मतलब है इंटीग्रेशन। तो देखो दो चीज़ें हमने मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ रखी हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इक्वेशन हम ड्राइव कर रहे हैं वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देखो मैंने आपको ये बताया था कि जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा वो होगा डी वी बाई डी टी। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए इंस्टेंटेनियस, तो बार बार हम इंस्टेंटेनियस नहीं लिख रहे, हम सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए डी टी इज इक्वल टू क्या आएगा, डी वी। दोनों साइड हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, और दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन होगा जीरो से लेके टी तक और ये होगा यू से लेके वी तक। तो ए तो कांस्टेंट है, ए आ जाएगा बाहर और इसका इंटीग्रेशन होगा जीरो से टी तक। यहाँ डी वी का इंटीग्रेशन होगा वी और लिमिट क्या है, लिमिट है एक बार वी और एक बार यू। तो एक बार v लिमिट पुट करेंगे और एक बार u, तो v माइनस यू, डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, तो ये हो जाएगा ए टी। यू को इस साइड ले आएंगे तो v इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन जो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम पहला इक्वेशन जो इजीली ड्राइव हम कर सकते हैं। दूसरे में हम क्या करेंगे, देखो दूसरा इक्वेशन जो ड्राइव होगा वो हमें ड्राइव करना है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम जानते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है डी एस बाई डी टी। ये था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी एस इज इक्वल टू वी डी टी और v हमने क्या ड्राइव किया है, u प्लस ए टी। ये वैल्यू उठा के यहाँ प्लेस कर दो, सो इट विल बी डी एस इज इक्वल टू u प्लस ए टी इंटू डी टी। दोनों साइड क्या कर देंगे,
इंटीग्रेशन, तो इनको अलग अलग कर लूँ मैं, तो ये हो जाएगा यू डी टी प्लस ए टी, यू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी। तो यहाँ डी एस का इंटीग्रेशन जीरो से एस तक, तो ये आएगा एस। यू का इंटीग्रेशन जो है जीरो से टी तक, क्योंकि डी टी के रेस्पेक्ट में करना है, तो u एज इट इज डी टी का इंटीग्रेशन ऐसे लिख देते हैं। अभी अगले पे कर देंगे सॉल्व इसको, तो ये आएगा a, और a भी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। डी टी का इंटीग्रेशन यहाँ पे होगा t, और यहाँ होगा t स्क्वायर बाई टू, और क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है कोई कॉन्स्टेंट नहीं आएगा, इक्वेशन आ जाएगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो दो इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो ठीक, नहीं आया हो और भी ठीक, सिर्फ आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे, ठीक है। फिर ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि जो क्वेश्चन थोड़े टिपिकल टाइप के बनेंगे तो उनमें इस तरह के जो रिजल्ट्स हैं वो यूज़ होते हैं। अच्छा, ये उसको समझ में नहीं आएगा जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता होगा, और जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता है वो मैथमेटिकल टूल्स वाले लेक्चर ज़रूर देख लें, वहाँ डिफरेंशिएशन भी मैंने करवा रखा है और इंटीग्रेशन भी, तो आई होप वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं आता है तो ज़्यादा सर खपाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे ये रिलेशन याद रखें, ये वाले और ये वाले, इनसे आपके क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम ड्राइव कर रहे हैं वो है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। अगेन हमें ये भी जो ड्राइव करना है वो किससे करना है, कैलकुलस मेथड से। कैलकुलस मेथड में फिर से वही रिलेशन हम लेंगे, कौन सा, a इज इक्वल टू dv बाई dt। इसमें क्या करेंगे, dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा, dv और dx आ जाएगा इधर, इसको इंटरचेंज कर दिया है मैंने, और ये आ जाएगा dx बाई dt, और dx बाई dt हम जानते हैं क्या होता है, v, तो ये बन जाएगा v dv बाई dx, तो ये हो जाएगा रिलेशन। इस रिलेशन को हम इस तरीके से लिख लेंगे कि a dx इज इक्वल टू v dv, और इसका करेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो a dx इज इक्वल टू v dv, दोनों साइड इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका होगा जीरो से लेके s तक, इसका होगा u से लेके v तक, क्योंकि देखो वेलोसिटी वेरी कर रही है यहाँ पे, तो वेलोसिटी कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, इनिशियल से फाइनल तक, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी u और फाइनल कितनी v। इसी तरह जो इस मोशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा, इनिशियली कैसा होगा जीरो और फाइनली कैसा होगा s, तो हमने लिमिट्स लगा दी। अब a आ जाएगा बाहर, क्या बचेगा, dx जीरो से s, यहाँ v का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा v स्क्वायर बाई टू, अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट। a dx का इंटीग्रेशन हो गया x, एक लिमिट s और एक जीरो, ये हो गया v स्क्वायर बाई टू माइनस u स्क्वायर बाई टू, ये बन गया a s माइनस जीरो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई टू, तो ये हो गया ए एस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू, मल्टीप्लाई होगा तो टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो इक्वेशन आ गई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आई होप ये क्लियर होगा, अगेन मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये समझ में उसी को आएगा जिसको इंटीग्रेशन आता होगा। एलेवेंथ में जब आप आते हैं टेंथ से, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीखने में हो सकती है, लेकिन मैंने
पहले भी क्वेश्चन में बताया कि समझ में आया तो ठीक, नहीं आया और भी ठीक, फिर आप डायरेक्ट रट्टा मारेंगे इसका, ठीक है। इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। और इम्पोर्टेंट क्या है इन इक्वेशन के डेरिवेशन में, इम्पोर्टेंट हैं ये रिलेशंस जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। देखो इक्वेशन हम ड्राइव कर रहे हैं कब के लिए, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो हम डायरेक्ट इक्वेशंस लगाएंगे। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो फिर इस तरह के रिलेशंस जो मैं आपको लिखा रहा हूँ ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। ये कब काम आएगा, ये रिलेशन जो मैंने यहाँ ड्राइव किया है ये काम आएगा जब एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन नहीं है, डिस्टेंस का फंक्शन है, तो ए हो जाएगा वी डी वी बाई डी एक्स, और अगर ए टाइम का फंक्शन होता तो ए हो जाता डी वी बाई डी टी। अब बात कर लेते हैं फोर्थ इक्वेशन की। फोर्थ इक्वेशन मैंने आपको क्या सिखाई थी, फोर्थ इक्वेशन मैंने आपको बताई है एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, ठीक है। देखो एस एन एथ का मतलब क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है और उसने एन सेकेंड में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया तो जो लास्ट सेकेंड है एन एथ सेकेंड उसमें उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके लिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला निकाला है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये निकालेंगे कि एन सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो वो हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। अब इससे एक सेकेंड कम तो ये हो जाएगा यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आएगा यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए, इसका ओपन कर दो तो एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, ये आ जाएगा यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस ए बाई टू, टू से टू कटेगा माइनस ए एन, तो ये आ जाएगा। हमने इसको कह दिया इक्वेशन नंबर टू, ये इक्वेशन नंबर वन। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें एनएथ में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो पता चल जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करना है तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो देखो यू एन से यू एन कट जाएगा, हाफ ए एन स्क्वायर से हाफ ए एन स्क्वायर कट जाएगा, क्या बच जाएगा, ये दोनों टर्म तो गायब हो गए, ये हो गया u, यहाँ क्या बचा a बाई टू और ये है माइनस का और ये है प्लस का, ठीक है। तो इसको हम ऐसे अरेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा u प्लस a कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा n माइनस वन बाई टू, एलसीएम ले लो तो u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, ये आ गया आपका फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, क्लियर है। तो मैंने आपको चारों इक्वेशन ऑफ मोशन बता दिए हैं और फिर से कह रहा हूँ समझ में आ गए हो तो एक बार खुद से ड्राइव करके देख लेना, नहीं आए हो कोई बात नहीं, ये चारों इक्वेशन आपको अच्छे तरीके से रटी हुई होनी चाहिए क्योंकि जो भी इसके काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन हम करेंगे तो उनमें इन्हीं इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। और कब करेंगे, कंडीशन आप हमेशा याद रखना, इक्वेशन ऑफ मोशन कब यूज होंगी, व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, तो ये आप जरूर याद रखें। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस तरह के जो रिलेशन मैं आपको लिखा रहा हूँ ये यूज होंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखो, नहीं समझ में आया वीडियो को एक बार दोबारा देखो, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे फ़ोन मत करो, ठीक है, सिर्फ मैसेज करो।